अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उजी टेस्ट। आज जो मैं आपसे डिश शेयर कर रही हूँ वो मेरी बहुत फेवरेट है, स्पेशल दाल चावल मेरे स्टाइल में। इंग्रेडिएंट्स में 5 टेबल स्पून के करीब आप ऑयल ले लें, 1 पाव दाल है मूंग और मसूर की, ये है जीरा और सूखा गरम मसाला लिया है मैंने, जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, तेज़पत्ता और 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। 1 हाफ बाउल मैंने चिकन ली है धनिया गार्निशिंग के लिए, 1 प्याज तड़के के लिए, 1/2 टी स्पून हल्दी ली है, 1.5 टी स्पून सॉल्ट लिया है, सूखा धनिया लिया है 1 टेबल स्पून और 1 टी स्पून लाल मिर्चें और 1 टमाटर। सबसे पहले हम पानी में दाल को डाल देंगे ताकि ये हल्की आंच पे बनती है। मैं बनाने को तो प्रेशर कुकर में भी बना लूँ लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो आपका हल्की आंच पे बनने में आता है। जब ये फ्रॉथ ऊपर आए तो ये आप हटा लीजिए। ये देखिए सारी आप झाग निकाल लीजिए। इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे 1-1.5 घंटे तक रखूंगी ताकि इसका अपना टेस्ट डेवलप हो। ये मैंने सारी फ्रॉथिंग निकाल दी है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और सारे साबुत गरम मसाले डाल दूंगी। ये देखें और इसको फिर हल्का कवर करके मैं हल्की आंच पे रख दूंगी। एक्स्ट्रा फ्रॉथ आप निकाल लीजिए। अब इसके अंदर मैंने 1 टमाटर डाल दिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे, हल्का सा ढक्कन साइड पे रखिएगा ताकि ये बाहर ना आए। और दूसरी साइड पे हमने ऑयल लिया 3 टेबल स्पून, जीरा डाला, उसके बाद मैंने ये 1/2 बाउल मेरी चिकन थी, क्योंकि आपकी जितनी दाल है उसी रेशो से आप चिकन लें, इसको आप अच्छी तरह मसाले के साथ भून लें। बड़ा न्यू और बहुत ही टेस्टी टेस्ट आपकी दाल का आएगा। आप जब ये बनाएंगे तो मुझे ज़रूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये सारे मसाले मैं एक साथ इसमें डाल दूंगी, फिर इसको मिक्स करें, भूनें जब तक कि हमारी चिकन बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, गल ना जाए। ये देखें चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम चिकन को अलग निकाल लेंगे प्लेट में, इसके हम रेशे कर लेंगे और जो ये हमारा मसाला है ये हम अपनी दाल के अंदर डाल देंगे। इसी मसाले से दाल का टेस्ट डेवलप होगा। ये देखें ये दाल को हमने बिल्कुल घोट दिया है, ये अब इसमें सारा मसाला डाल देंगे। आप हिला लीजिए चम्मच अच्छी तरह, आप ये कलर देखें दाल का, बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए कलर देखिए, ये मसाले आप ये थोड़ा सा चम्मच से बाकी मसाला भी आप इसे निकाल लीजिए। अब हम दूसरी साइड पे तड़का लगाएंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है मैंने, 1 प्याज और 2 लहसुन के जवे मैंने काट लिए हैं। प्याज को हम डार्क ब्राउन होने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे। स्टार्ट में आंच तेज रखिएगा फिर हल्की कर दिएगा। दूसरी साइड पे ये मेरी दाल आप देखिए बिल्कुल घुट चुकी है, एक जैसी यकजान हो गई है। अब ये चिकन है ये मैंने इसमें डाल दिए। अब आप इसको मिक्स करें, दाल हमारी रेडी है। दूसरी साइड पे ये मैंने 8-10 ग्रीन चिली ली हैं, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून कुटा धनिया लिया है,
1 टी स्पून चिली फ्लेक्स लिए, इनको खुद कूटा है, हल्का सा नमक डाला है और 3-4 टेबल स्पून विनीगर डाल दिया है। अब मैं इसको मिर्चों में भरूंगी और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। दाल चावल के साथ ये सब चीज़ें ना हो तो दाल चावल खाने का फिर मज़ा ही क्या, और विंटर में तो बहुत ही दिल चाहता है इस तरह की रेसिपीज बनाएं और शेयर करें। ये देखिए मेरे प्याज ब्राउन हो गए हैं, अब मैंने इसमें लहसुन डाला, इसको थोड़ा ब्राउन होने दें, फिर इसमें आप तड़का लगा दीजिए दाल में। कहने को तो ये चिकन दाल है। ये देखिए रेडी है हमारा तड़का, अब हम इसमें तड़का लगा देंगे। ये देखिए थोड़ा टाइम लेती है ये रेसिपी, कहने को तो मूंग दाल 2 मिनटों में बन जाए, लेकिन अगर आपने बनानी है टेस्टी तो फिर इसको रखिए स्लो फ्लेम पे और धनिया डाल दें एंड में। ये जो मिर्चें हमने फिल की थी अब हम इसको फ्राई करेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल ले लें, उसमें आप सारी मिर्चें डाल दें, फिर इसको कवर कर दीजिएगा ताकि इसकी जो छींटे होती हैं वो ना उड़े ऑयल की। इसको मैंने थोड़ा सा कवर किया है। दूसरी साइड में मैंने इसमें 1/2 kg चावल लिए हैं और 1 प्याज लिया है, साबुत गरम मसाला लिया है और 2 टीस्पून सॉल्ट लिया है। अब मैं एक पैन में ऑयल, देचकी में ऑयल डालूंगी 4-5 टेबल स्पून, फिर इसमें मैं प्याज डालूंगी। प्याज जब तक लाइट ब्राउन ना हो जाए आप उस वक्त तक इसको फ्लेम पे रखें। फिर इसके अंदर हमने सारे साबुत गरम मसाले डाल दिए, कुछ खास से लिया मैंने, तेज पत्ता लिया है, 2-3 लौंगे और काली मिर्चें ली हैं और 1 पीस दालचीनी, इससे ही इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब हम इसमें जब ये फ्राई हो जाए तो 3 ग्लास पानी डाल देंगे, फिर मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट आप टेस्ट भी कर सकते हैं, हल्का लगे तो अकॉर्डिंग योर टेस्ट कर लें। जब बॉयल आया तो मैंने सारे चावल इसमें डाल दिए, देखिए कितना गोल्डन कलर आया, क्योंकि प्याज को जब आप अच्छी तरह ब्राउन करेंगे तो वो जो आपके राइस है उनका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब ये देखिए हमारे स्पेशल दाल चावल बिल्कुल रेडी हैं। ये चावल कितने खिले खिले हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। 7 ग्रीन चिलीज हैं जो फ्राई की थी और इसके साथ सैलेड है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक्स।